उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी इसकी एंट्री हो गई है। मदरसे में राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, ये विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान सब जगह होना चाहिए। हम भी चाहते हैं। इससे पहले अपने निवास पर हुई प्रेस ब्रीफिंग में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उत्तर प्रदेश जैसा मध्य प्रदेश में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उनसे सवाल किया कि क्या आप मानते हैं कि मदरसों में राष्ट्र का धन्यवाद होना चाहिए। इसका जवाब दिए बिना वे बोले अगला सवाल और बात टाल दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हम पाकिस्तान में तो नहीं कह रहे कि राष्ट्रगान कराओ, हम तो मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, देश के कोने में जो शिक्षा संस्थान है वहाँ राष्ट्रगान हो, राष्ट्र की स्तुति हो, भारत माता की जय हो, तो इसमें क्या गलत है? यह होना चाहिए। यदि ऐसा निर्णय हो रहा है तो स्वागत योग्य कदम है। उत्तर प्रदेश में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगान होगा। रमजान और ईद की छुट्टियों के बाद गुरुवार से सभी मदरसे खुल चुके हैं। 14 मई से मदरसों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज, सभी जगह होना चाहिए, राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो, हम भी चाहते हैं सब जगह। उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया, विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। राष्ट्रगान कोई हम पाकिस्तान में तो नहीं कह रहे कि राष्ट्रगान, हम तो मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के कोने में जो शिक्षा संस्थान है उसमें राष्ट्रगान हो, राष्ट्र की स्तुति हो, भारत माता की जय हो, तो क्या गलत है? ये तो होना ही चाहिए। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा निर्णय हुआ है तो स्वागत योग्य कदम।